सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बाबा टायर सर्विस द वेलरो बॉय। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्राई साइकिल है हमारे पास, बच्चे की भय तो ये साइकिल बहुत मजबूत है, इससे भी हल्की आती है। बट हुआ क्या है, ये देखिए, ये इसका साइड व्हील है, तो इसके जो साइड व्हील में बुश होते हैं वो टूट गए हैं। तो हमने बहुत जगह पता किया, इसके बुश तो नहीं मिले, बट फिर हमने सोचा अगर इस साइड के बैरिंग मिलते हैं तो हम इसमें बैरिंग इंस्टॉल करेंगे। बट बैरिंग इंस्टॉल भी मुश्किल से होंगे, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ये देखिए, ये है इसके बुश, ये जो दो बुश होते हैं दोनों अलग साइज़ के होते हैं। ये दोनों चक्कों के एक साइड का है और एक अलग साइड का है, तो हमने कोशिश करी कि ये फिट आ जाए, बट इसकी फ़िटिंग बैठी नहीं। सो फिर उसके बाद हम ये इस तरीके के बैरिंग लेके आए हैं। ये 608 नंबर का बैरिंग है दोस्तों, ये ज़्यादातर फ़ैन में यूज़ किया जाता है। तो मुझे ये बैरिंग मिल गए, तो सोचा क्यों ना इसको इंस्टॉल किया जाए इसमें और इसकी फ़िटिंग करके दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले जो इसका ये देखिए, व्हील में ये पिन की तरह होती है दोस्तों, तो इसकी हमने कटिंग कर ली है ऊपर से, क्योंकि जो पहले बुश डले थे उसमें ये साइज़ था, बट अब हम इसमें बैरिंग डालने लगे हैं तो साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है। तो इसमें इस तरह से हम इसको वेल्डिंग करेंगे। ये देखिए सीट पिलर की जड़ी काबला होता है, उसको हमने एक साइड से कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले करना है क्या, हम इसको वेल्डिंग कर लेते हैं, फिर इसको आगे से आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये देखिए ये साइज़ छोटा पड़ रहा है, इसमें इसको इस तरीके से इसमें वेल्ड करना है। तो करते हैं पहले वेल्डिंग। तो दोस्तों इसमें इस तरीके से वेल्डिंग के दो तीन टांके मार लेंगे, तो जिससे क्या जो पिन है इसकी बड़ी हो जाएगी और बैरिंग आराम से फिटिंग आ जाएंगे। मैं भी ये पहली बार काम करने लगा हूँ, तो सोच रहा था कैसे होगा, बट ये साइकिल मेरे अपने घर की है, तो सोचा आपके लिए भी वीडियो बना दूँ, कभी आपके भी काम आ सकती है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई काम आ जाए जिसके व्हील के बुश गिर गए हैं, टूट गए हैं, तो इस तरीके से इसका काम कर सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, और इस तरीके से बस प्यार देते रहिए, तो मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आता रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको वेल्डिंग कर लिया और इसको झाड़ लिया है देखने के लिए टांका पक्का हो गया है कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से इसको वेल्ड किया है। ये देखिए पिन अब बड़ी हो गई है, ये देखिए। और हमने जान के इसका चूड़ियाला साइज जो बाहर रखा है, ताकि हम इसको बैरिंग डाल के बाद में इसको नट से फिटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको बैरिंग को बिठाना है और पीछे से हम इसके नट को कस देंगे। इसका ये बेनिफिट है, कल को हमने बैरिंग का टूट जाता था उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। हालांकि हम इसको वेल्डिंग भी कर सकते थे, बट फिर कल को बैरिंग डालना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको नेट को कस लिया है। तो इसकी फिटिंग नहीं आ रही है, तो इसमें हम एक वाशल देंगे, वाशल की पैकिंग, जिससे क्या होगा नेट की पैकिंग पूरी आ जाएगी और बैरिंग की प्ले ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए ये इसकी वाशल की पैकिंग दे देंगे, ताकि जो इसकी प्ले है वो ख़त्म हो जाए। तो एक साइड का बैरिंग डाल दिया है, तो दूसरे साइड का बैरिंग डालेंगे। तो मैं इसकी फ़िटिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, पूरी फिटिंग आई है, बैरिंग बहुत ही फिट मिला है। एक्चुअली क्या, मैंने बुश पता किया, कहीं से मुझे बुश मिले नहीं, तो आप मुझे बताना अगर इसके बुश मिलते हो कहीं से, तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है बुश की। तो फिर ये साइज़ का हमने बैरिंग लेके आए हैं, बैरिंग मिल गया है। सो इसमें मेरे ख्याल से वेल्डिंग का थोड़ा कार्बन जम गया है, सो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ठोकेंगे तो ये आसानी से बैठ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पूरा फिट आया है बैरिंग। सो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अभी जो इंटरेस्टिंग बात है, जो एंड की बात है, वो अभी देखने वाली है। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, ये व्हील मेरे पास एक दिन पहले आया था, तो इसका जो सामान था मैंने कहीं रख दिया और मैं भूल गया हूँ इसका। तो इसमें होता है क्या दोस्तों, ये देखिए जो पिन है इसमें एक लॉक लगता है, सो वो लॉक मुझसे गुम हो गया है। ये मैं आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, वेट इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए एक साइड से नेट लगा दिया है। तो दोस्तों ये देखिए कट दिख रहा होगा आपको, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वाशल वाला लॉक लगता है, तो इसमें लॉक लगता है, बट लॉक मुझसे गुम हो गया। तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, इसमें ऐसी पैकिंग देंगे ताकि ये जो बैरिंग है हिले ना। तो हमने सोचा इसमें एक्सल के दो नट डाल देते हैं,
जिससे इसकी जो प्ले है वो ख़त्म हो जाएगी और इसको आसानी से फिट कर देंगे तो इसकी बैरिंग है जो प्ले बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये देखिए फिट करने का आसान तरीका है, इसको कुछ नहीं करना, इसमें डाल के इसको बस प्रेस कर देना है और ये फिट हो गए देखिए। और फिट करने का भी आसान तरीका है और दोस्तों इसको निकालने का भी आसान तरीका है। पहले तो मुझे पता नहीं, मालूम नहीं पड़ा इसको निकालना कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको निकालना है, वैसे खींचेंगे तो नहीं बाहर आएगा। तो इसके नीचे के ये दिया था देखिए, इसको प्रेस करना है दोस्तों। जैसे ही प्रेस करोगे, प्रेस करने के साथ साथ इसको उठाना है, अदरवाइज़ ये बाहर नहीं आएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको बाहर निकालने का। तो ये देखिए, एक तो ये हमने फिट किया था पहले, एक इसके दूसरे साइड का भी हमने बैरिंग डाले हैं। ये देखिए, सो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर, मिलते हैं।